बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा आर्टिकल है उसका नाम है रिपल टैंक। रिपल टैंक इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। रिपल टैंक एक डिवाइस होती है जिसमें हम लोग वाटर वेव्स को डिस्कस करते हैं और उसकी खसूसियात को स्टडी करते हैं। दिस ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रे हैविंग ग्लास बॉटम। ये ऑपरेटर्स मुश्तमिल होता है एक रेक्टेंगुलर ट्रे पे, जैसे कि आपको नजर आ रही है, जिसका बॉटम जो है वो ग्लास का बना होता है, शीशे का बना होता है। एंड इज प्लेस नियरली हाफ मीटर अबव द सर्फेस ऑफ अ टेबल, और उसको सर्फेस की टेबल से हाफ मीटर ऊंचा रखा जाता है। ये सर्फेस टेबल की सर्फेस इससे हाफ मीटर ऊंचा रखा जाता है। वेव्स कैन बी प्रोड्यूस ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द ट्रे बाय मीन्स ऑफ अ वाइब्रेटर। तो वेव्स हम लोग प्रोड्यूस करवा सकते हैं वाटर की सर्फेस के ऊपर जो रेक्टेंगुलर ट्रे में नजर आ रहा है हम लोग वाइब्रेटर की मदद से। ये वाइब्रेटर है हमारे पास। दिस वाइब्रेटर इज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर। ये वाइब्रेटर जो होता है वो एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर होता है ऑन अ वुडन प्लेट, एक वुडन प्लेट के ऊपर ओवर द ट्रे के ऊपर, सच दैट इट्स लोअर सरफेस जस्ट टचेस द सरफेस ऑफ वाटर। इस तरह से कि इसकी जो लोअर सरफेस है ये बिल्कुल थोड़ी सी वाटर की सरफेस के साथ अटैच हो, ताकि जब इस इलेक्ट्रिक मोटर को हम लोग सप्लाई के साथ अटैच करें तो ये जब वाइब्रेट करे तो वाइब्रेशन से जब ये वाटर की सरफेस के साथ अटैच होगा तो उसकी सरफेस के ऊपर भी वेव्स क्रिएट होंगी, तो उसको हम लोग स्टडी कर सकेंगे। ऑन सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन, जैसे हम लोग वाइब्रेटर को ऑन करते हैं, दिस वुडन प्लेट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग टू जनरेट वाटर वेव्स। ये जो वुडन प्लेट है ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है और वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेट वेव फ्रंट्स, जो कि स्ट्रेट वेव फ्रंट्स पर मुश्तमिल होती है। तो छोटी छोटी स्ट्रेट वेव्स होती हैं यहाँ पे। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इज हंग ओवर द ट्रे टू ऑब्जर्व द इमेज ऑफ वाटर वेव्स ऑन द पेपर ऑफ स्क्रीन। तो हम लोग ऊपर एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा देते हैं ताकि ये इस जो हमारे पास ग्लास का बॉटम है इसमें से पास आउट कर सके और हम लोग वेव्स को डिस्कस कर सकें। तो पेपर या स्क्रीन नीचे लगा देते हैं जहाँ पे हम लोग इनको स्टडी कर सकते हैं। द क्रस्ट एंड ट्रफ्स ऑफ द वेव्स अपीयर एज ब्राइट एंड डार्क लाइंस रिस्पेक्टिवली ऑन द स्क्रीन। तो इस स्क्रीन के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ प्रोड्यूस होते हैं ब्राइट और डार्क लाइंस की तरह। अगर ब्राइट लाइंस होंगी तो वो क्रस्ट होगा, अगर डार्क लाइंस होंगी तो ट्रफ होगा। ब्राइट क्रस्ट डार्क ट्रफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करके जाती हैं और वापस पहले मीडियम में आ जाती हैं, सच दैट इस तरह से कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरह से कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल हो किसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो इस फिनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इनटू द सेकंड मीडियम एट सम एंगल। जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में किसी एंगल के साथ एंटर होती है तो इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंजेस, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इस फिनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। डिफ्रैक्शन द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल्स और स्लिट्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। एक वेव मूव कर रही है, हम लोग आगे कोई ऑब्स्टेकल्स कोई रुकावट रख देते हैं तो उसके किनारों से वेव का बेंड हो जाना या स्प्रेड हो जाना, उसको हम लोग डिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं जिसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इनमें से कौन सी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। तो यहाँ पे ये हमारे पास आंसर होगा द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है वो मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। इफ द मास ऑफ द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 3, अगर 3 टाइम उसका मास इंक्रीज हो जाता है द पीरियड ऑफ द पेंडुलम मोशन विल बी, तो उसका पीरियड क्या होगा। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो टाइम पीरियड होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, तो जिसकी वजह से इसका जो टाइम पीरियड है वो सेम रहेगा, रिमेन सेम। तो ये वाला इसका ऑप्शन बन जाएगा। थर्ड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कौन सी डिवाइस को हम लोग ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा हेलिकल, स्प्रिंग और स्लिंकी। वेव्स ट्रांसफर एनर्जी, ये बुक की लाइन है, वेव्स एनर्जी ट्रांसफर करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, इनमें से कौन सा एनर्जी ट्रांसफर का मेथड है। कंडक्शन भी है, रेडिएशन भी है, वेव मोशन भी है, तो ये ऑल ऑफ दीज आ जाएंगे यहाँ पे हमारे पास इसका ऑप्शन। इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव सेम, वैक्यूम में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी स्पीड सेम होती है, तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड आ जाएगी। उसके बाद सेवन वाला जो है ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अ रिपल टैंक विद अ वाइब्रेटर वर्किंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज प्रोड्यूस
produces complete waves in a distance of 50 centimeter, the velocity of the wave is इसका आंसर बनेगा 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इसको हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो ये वाला हमारे पास आंसर आ जाता है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड. Which of the following characteristics of a wave is independent of the others? तो हमारे पास फॉर्मूला था v इक्वल एफ लैम्डा, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा. तो ये आपस में लिंक करते हैं तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है तो इसका ऑप्शन बन जाएगा एम्पलीट्यूड. द रिलेशन बिटवीन v, f एंड लैम्डा इज, तो हमारे पास जो रिलेशन होता है वो होता है v इक्वल एफ लैम्डा. तो v लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, राइट साइड पे भी हो सकता है. तो v इज इक्वल टू f इनटू लैम्डा, तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन बन जाएगा. तो इसकी जो एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चंस है ये आप लोग किसी भी की बुक से कंसल्ट कर सकते हैं और इसके आंसर्स जो हैं देख सकते हैं. हम लोग चैप्टर 10 फुली डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं तो इसके आंसर भी क्वेश्चंस आंसर भी इजी हैं. ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, किसी भी की बुक से देख सकते हैं आप लोग, किसी भी हेल्पिंग बुक से. तो ये चैप्टर नंबर 10 जो है हमारा कम्प्लीट हुआ. शुक्रिया.